बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पिछले लेक्चर में हमने ICS पार्ट 2 की बुक के चैप्टर नंबर 6 डिसीजन कंट्रोल स्ट्रक्चर को मुकम्मल कर लिया था। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ICS पार्ट 2 की बुक के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर। दोस्तों, यहाँ आइट्रेशन से क्या मुराद है, यानी जब कभी भी आप किसी भी काम को बार बार रिपीट करें तो इस अमल को कहा जाता है आइट्रेशन। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, व्हेन द सेम प्रोसीजर इज रिपीटेड मल्टीपल टाइम्स दैट इज कॉल्ड आइट्रेशन। दोस्तों, ये आइट्रेशन का लफ्ज़ आपके लिए नया नहीं है, क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसे बहुत से काम हम करते हैं जो कि आइट्रेटिव नेचर के होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर खाना बनाते वक्त जब हम प्याज के स्लाइसेस करते हैं तो हम इस काम को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक के प्याज पूरी कट नहीं हो जाती। इसी तरह से आप अपना सबक याद करते वक्त उस सबक को तब तक पढ़ते रहते हैं, तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक के आप पूरा सबक याद नहीं कर लेते। यानी यहाँ भी आप आइट्रेशन को फॉलो कर रहे होते हैं। ऐसे ही अगर हम इस दुनिया को देखें तो हर चीज आइटरेटिव नेचर पर मबनी है। वो सूरज एक ही वक्त निकलता है और एक ही वक्त पर गुरूब हो जाता है, और ये काम तब तक रिपीट होता रहेगा जब तक कि ये दुनिया बाकी है। ऐसे ही आपका रोज सुबह उठना, स्कूल, कॉलेज या ऑफिस जाना, फिर एक ही वक्त पर खाना खाना और फिर सो जाना। तो डियर फ्रेंड्स, हमारी तो पूरी लाइफ ही आइटरेटिव नेचर पर मबनी है। बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में भी हमें आइटरेशन की जरूरत पड़ती है। कब? जब कभी भी हमें एक ही तरह का काम, एक ही तरह का रिजल्ट बार बार अचीव करना हो, या फिर ये कह ले कि एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवानी हो, तो वहां हमें जिस कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करना होता है वो कहलाता है आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर। और ये इसकी डेफिनेशन देखिए, एन आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इन अ प्रोग्राम फॉर मल्टीपल टाइम्स। मिसाल के तौर पर एक प्रोग्राम है जिसमें हम 5 दफा हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो हम पहले स्टेटमेंट लिखेंगे एक दफा printf, printf, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हम लिख देंगे हेलो और वर्ल्ड। इसी तरीके से दोस्तों, आप आखिर में टर्मिनेटर लगा देंगे। अब क्योंकि हमें 5 दफा आउटपुट स्क्रीन पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, तो हम यही स्टेटमेंट 5 टाइम लिखेंगे। हमने सेकेंड टाइम लिखी हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट, इसके बाद ये हमने थर्ड टाइम लिखी हेलो वर्ल्ड स्टेटमेंट, यानी printf स्टेटमेंट। ये फोर्थ टाइम लिखी, और ये फिफ्थ टाइम लिख दी। ये देखिए, और दोस्तों क्योंकि हम न्यू लाइन के अंदर हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना चाहते हैं, तो अब हम हर स्टेटमेंट के एंड में बैक स्लैश n लिख देंगे, ताकि हमारा ये जो हेलो वर्ल्ड है, ये हर एक हेलो वर्ल्ड एक न्यू लाइन में प्रिंट हो। यहाँ आप इस तरीके से हर एक स्टेटमेंट के एंड में इन्वर्टेड कॉमास के आखिर में आप लिख देंगे बैक स्लैश n, जिसकी वजह से आपकी आउटपुट स्क्रीन पर हर एक स्टेटमेंट जो है वो एक न्यू लाइन पर आपको नजर आएगी। अब दोस्तों, आप इसको रन करेंगे, और रन करवाने पर ये आप देख सकते हैं कि 1, 2, 3, 4, 5 टाइम्स आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। और दोस्तों, यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये तो बहुत ही सिंपल है, लेकिन डियर फ्रेंड्स, अगर मैं ये कहूँ कि अब आपको ये हेलो वर्ल्ड 5 दफा नहीं बल्कि 1000 टाइम्स यानी 1000 दफा प्रिंट करवाना है, तो फिर आप क्या करेंगे? क्या 1000 टाइम्स printf स्टेटमेंट को लिखेंगे? इसमें तो आपका बहुत सा वक्त लगेगा, साथ के साथ मेहनत भी लगेगी, और सबसे बढ़कर आपको ये काम बोरिंग भी लगेगा, क्योंकि एक ही तरह की स्टेटमेंट को जब आप लिखते रहेंगे तो ये लिखना भी एक आम इंसान के लिए बोरिंग ही होगा। अब दोस्तों, आप ये चाहेंगे कि कोई ऐसा आसान तरीका मुझे मिल जाए कि मैं बस ये एक दफा printf लिखूं और ये किसी तरह 1000 टाइम्स प्रिंट हो जाए, तो दोस्तों ये इसके लिए ये प्रोग्राम देखिए। ये मैंने सिर्फ एक दफा ये हेलो वर्ल्ड लिखा है, यानी ये printf स्टेटमेंट लिखी है जिसमें सिर्फ एक दफा हेलो वर्ल्ड लिखा है। और अब जब मैं इसको रन करूंगी तो आप इसके आउटपुट में देखें कि यहाँ पर ये 1000 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। यानी अगर मैं इस कर्सर को नीचे लेकर जा रही हूँ, इस स्क्रॉल बार को,
ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है और ये कब तक प्रिंट हो रहा है, ये 1000 times प्रिंट हो चुका है। अब दोस्तों यकीनन आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, तो दोस्तों ये हुआ है आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की वजह से। दोस्तों ये जो आपको वाइल का कीवर्ड इस्तेमाल हमने किया है इस प्रोग्राम में, ये एक आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर की फॉर्म है और इस वाइल की वजह से आपका प्रोग्राम आइटरेटिव नेचर का बन गया है। तो इस वाइल के आगे हमने यूज की है कंडीशन और इस वाइल और कंडीशन की वजह से आपकी ये एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट 1000 times रिपीट हुई है। और आप जानते हैं कि जब कभी भी आपके प्रोग्राम में एक ही स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो तो ऐसा प्रोग्राम आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर पर मबनी प्रोग्राम कहलाता है। तो दोस्तों अब आइए आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर के बारे में मजीद जानते हैं। दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम आमतौर पर आइटरेशन के लिए लूप का लफ्ज इस्तेमाल करते हैं और लूप से मुराद वही है जो कि आइटरेटिव से है। ये एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करने के लिए हम आइटरेटिव स्ट्रक्चर या फिर लूपिंग को इस्तेमाल करते हैं। अब दोस्तों सी प्रोग्राम में आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर लूप्स 3 तरह के यूज किए जाते हैं, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। और डियर फ्रेंड्स आप इनमें से कोई भी लूप इस्तेमाल करें तो उन तमाम लूप्स में कुछ एलिमेंट्स यूज होंगे ही होंगे और वो एलिमेंट्स हैं ये तमाम एलिमेंट्स, यानी लूप कीवर्ड, कंडीशन, काउंटर वेरिएबल एंड काउंटर इनिशियलाइजेशन। यानी दोस्तों ये जो 4 एलिमेंट्स हैं ये तमाम आइटरेटिव कंट्रोल स्ट्रक्चर में यूज होंगे, लेकिन इनकी अरेंजमेंट्स क्या होगी ये डिसाइड करेगा ये लूप कीवर्ड। दोस्तों लूप कीवर्ड से यहाँ मुराद है कि लूप की टाइम। अगर आप व्हाइल लूप से यूज करेंगे यानी व्हाइल कीवर्ड यूज करेंगे तो आप व्हाइल लूप में ही यूज कर सकते हैं। यानी दोस्तों अगर आप अपने प्रोग्राम का कंट्रोल स्ट्रक्चर व्हाइल लूप के थ्रू बनाना चाहते हैं तो फिर आप व्हाइल कीवर्ड यूज करेंगे, अगर आप अपने प्रोग्राम को डू व्हाइल लूप के थ्रू करना चाहते हैं तो आप डू व्हाइल कीवर्ड यूज करेंगे, और अगर आप अपने प्रोग्राम का स्ट्रक्चर फॉर लूप के थ्रू करना चाहते हैं तो फिर आप फॉर के कीवर्ड को यूज करेंगे। और ये व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर कब और कैसे यूज किया जाता है इसकी डिटेल्स हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही ज्यादा डीप में देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट एलिमेंट है जो लूप के अंदर यूज किया जाता है वो है कंडीशन। दोस्तों कंडीशन का लफ्ज आपके लिए नया नहीं है, हम पिछले चैप्टर में भी कंडीशन को पढ़ चुके हैं। यानी जिस तरह सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में हम कंडीशन को इस्तेमाल करते थे और उस कंडीशन के सही या गलत होने पर हम कुछ स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करते थे और कुछ को स्किप कर देते थे, बिल्कुल ऐसे ही दोस्तों हम आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर में भी कंडीशन को यूज करते हैं और वो कंडीशन ही ये डिसाइड करती है कि जो स्टेटमेंट आप रिपीट करवाना चाहते हैं वो कितने टाइम्स रिपीट होगी। और अगर कंडीशन ट्रू होगी तब ये तमाम स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, यानी बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी, लेकिन जब आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो फिर आपका कंट्रोल इस आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर या फिर लूप से बाहर आ जाएगा। यानी डियर फ्रेंड्स अभी तक हम जो लूप की डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि लूप से मुराद है कि एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाना, लेकिन कितने टाइम्स रिपीट करवाना है ये भी तो हमें पता होना चाहिए और ये पता चलेगा कंडीशन के थ्रू। और ये लूप की पूरी डेफिनेशन देखिए, इन लूप्स और आइटरेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर द प्रोग्राम विल कीप रिपीटिंग द स्टेटमेंट्स अंटिल द कंडीशन बिकम फॉल्स। यानी आप लूप में भी लाजमी कंडीशन ही डालेंगे, यानी जिस तरह सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर में यानी इफ एल्स के अंदर हम कंडीशन को यूज करते थे, ऐसे ही हम व्हाइल, डू व्हाइल और फॉर लूप के अंदर भी कंडीशन को ही यूज करेंगे। और जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती तब तक के इस लूप में रखी गई स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होती रहेंगी, रिपीट होती रहेंगी। और दोस्तों ये इसका फ्लो चार्ट देखिए, सबसे पहले आप लूप वेरिएबल को इनिशियलाइज कराएंगे, इनिशियलाइज कराने के बाद आप कंडीशन देंगे। अब दोस्तों जैसे ही ये कंडीशन ट्रू होगी तो लूप में रखी गई स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी और एग्जीक्यूट होने के बाद आपका कंट्रोल दोबारा इस कंडीशन पर आएगा, दोबारा इस कंडीशन को चेक करेगा, अगर तो कंडीशन ट्रू होगी दोबारा इन स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा, रिपीट करने के बाद दोस्तों ये दोबारा कंडीशन पर जाएगा और इस तरह से जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी आपकी स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। लेकिन दोस्तों अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपका कंट्रोल इस लूप से बाहर आ जाएगा।
मिसाल के तौर पर दोस्तों ये एक प्रोग्राम है जिसमें लूपिंग यूज हुई है, और आपको कैसे पता चलेगा कि यहाँ हमने लूप कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज किया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर हमने वाइल का कीवर्ड इस्तेमाल किया है। और डियर फ्रेंड्स, वाइल का कीवर्ड आपको पता है, वाइल, डू वाइल और फॉर का कीवर्ड जो है वो खास तौर से लूप के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद दोस्तों हमने वाइल के आगे कंडीशन लगाई है कि ए इज लेस देन 5, यानी ए क्या है, एक वेरिएबल है, और इस वेरिएबल को हमने इस लूप के स्ट्रक्चर के अंदर, दोस्तों यहाँ लूप के स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ये जो आपका कर्ली ब्रेसेस ओपन हुआ है और जहाँ ये कर्ली ब्रेसेस बंद हुआ है, तो इसके दरमियान जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जब तक कि ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, तो ये तमाम स्टेटमेंट्स बार बार एग्जीक्यूट होती रहेंगी। तो अब दोस्तों जब कभी भी कोई आपसे लूप के स्ट्रक्चर की बात करे, तो ये कर्ली ब्रेसेस ऑन होते ही आपके लूप का स्ट्रक्चर शुरू हो जाता है, और ये कर्ली ब्रेसेस ऑफ होते ही, बंद होते ही आपकी लूप जो है वो भी एंड हो जाती है। अब यहाँ पर दोस्तों हमने क्या किया है, हमने कंडीशन दी है कि ये जो ए वेरिएबल है ये लेस देन 5 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमने एक ट्विस्ट डाला है कि ए जो है वो यूजर से इनपुट लिया है। अब दोस्तों यूजर ए को बार बार इनपुट करता जाएगा, और जब तक कि वो वैल्यू जो इनपुट कर रहा है, जब तक कि वो 4 से छोटी वैल्यू, 5 से छोटी वैल्यू होगी, तो ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर देगा, और प्रिंट करने के बाद आपका इनपुट भी लेता रहेगा। यानी क्योंकि हमने यहाँ पर ये कर्ली ब्रेसेस के अंदर स्कैनर फेंका है, तो अब ये हर बार रिपीट होगा। अब दोस्तों जब तक ये कंडीशन ट्रू होती रहेगी, तो आपका ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट होता रहेगा। आइए इसको हम रन करके देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले दी है ए की वैल्यू 0, और जैसे ही हमने 0 वैल्यू दी है, तो यहाँ पर ये हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है, और यहाँ पर इसने दोबारा से ये इस, क्योंकि कंडीशन ट्रू हुई थी, तो ये दोबारा से इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर आया है, यानी लूप के अंदर आ गया है। अब इसने प्रिंटर की स्टेटमेंट रन की है, एंटर द वैल्यू ऑफ ए, इसके बाद स्कैनर पर आया है, और स्कैनर पर आने का मकसद ये है कि ये आपसे चाहता है कि आप वैल्यू को इनपुट करें। तो अब दोस्तों मैंने वैल्यू इनपुट कर दी है 3। जैसे ही मैंने 3 इनपुट किया, तो यहाँ पर इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट तो करा दिया, लेकिन अब ये चेक करेगा कि क्या 3 जो है वो छोटा है 5 से। दोस्तों ये कंडीशन ट्रू हुई है, इसीलिए यहाँ पर इसने चेक करी है, यानी यहाँ पर इसने प्रिंट करवाया है एंटर द वैल्यू ऑफ ए। दोस्तों इसके बाद आप दोबारा से वैल्यू एंटर करेंगे 6। अब यहाँ पर आपने वैल्यू प्रिंट एंटर कर दी है 6, यानी आपका जो अभी कंट्रोल है वो यहाँ पर मौजूद है इस स्कैनर पर, और आपने यहाँ पर इसको रिजल्ट दे दिया है 6। अब ये हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कराएगा, और प्रिंट कराते ही चेक करेगा कि क्या 6 जो है वो छोटा है 5 से। और दोस्तों आप जानते हैं कि 6 5 से छोटा नहीं है, तो अब ये इस लूप के कंट्रोल से ही बाहर आ जाएगा, यानी यहाँ से अब ये दोबारा इस एंटर द वैल्यू ऑफ ए नहीं लिखेगा, बल्कि सिर्फ हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाएगा, कंडीशन को चेक करेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो अब ये इस कर्ली ब्रेसेस से बाहर आ जाएगा। और दोस्तों ये देखिए, यहाँ पर हमने 6 दिया था, 6 देने के बाद इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाया, कंडीशन को चेक किया, कंडीशन जो है वो फॉल्स हो गई, तो अब ये इस स्ट्रक्चर के यहाँ पर आ गया है, यानी यहाँ बाहर आ गया है, इसे किसी किस्म की कोई स्टेटमेंट नहीं मिली, तो इसने प्रोग्राम को एंड कर दिया। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ आपको एक बात क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये कंडीशन क्या कर रही है। दोस्तों हर बार ये लूप के आगे लिखी गई कंडीशन चेक होगी, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ही ये लूप के स्ट्रक्चर में जाएगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो फिर ये लूप के स्ट्रक्चर से ही बाहर आ जाएगा। इस तरह दोस्तों इफ एल्स के अंदर कंडीशन ट्रू होती थी तो वो इफ के स्ट्रक्चर में जाता था, ऐसे ही दोस्तों लूप के अंदर अगर कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप के इस स्ट्रक्चर के अंदर जाएगा, इसकी स्टेटमेंट्स को रिपीट करेगा, लेकिन अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये लूप के स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, अभी तक आपको ये दो एलिमेंट अच्छे से समझ आ गए होंगे कि लूप कीवर्ड क्या होता है, जैसे कि वाइल, डू वाइल और फॉर जो है ये क्या है, ये लूप के कीवर्ड हैं, जो कि आपके कंपाइलर को बताएंगे कि आप कौन सा लूप स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं। और उसके बाद सेकंड एलिमेंट है कंडीशन, और उस कंडीशन यानी ये कंडीशन ये डिसाइड करेगी कि आपकी इस लूप में रखी गई स्टेटमेंट्स कितने टाइम्स रिपीट होनी चाहिए। अब डियर फ्रेंड्स, जो तीसरा और चौथा एलिमेंट है वो है काउंटर वेरिएबल एंड काउंटर इंक्रीमेंटेशन। यहाँ पर इनिशियलाइजेशन लिखा हुआ है, आपको इंक्रीमेंटेशन करना है। तो दोस्तों ये काउंटर वेरिएबल क्या है? दोस्तों किसी भी लूप स्ट्रक्चर में ये काउंटर वेरिएबल बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि इस काउंटर वेरिएबल के जरिए ही हम लूप को कंट्रोल करते हैं। दोस्तों सबसे पहले लूप के स्टार्ट में आप काउंटर वेरिएबल में वैल्यू को सेट कर देते हैं, इसके बाद
और याद रखिए इस काउंटर वेरिएबल के अंदर आप कोई इंटीजर वैल्यू ही स्टोर करवाते हैं। इसके बाद दोस्तों आप कंडीशन लगाते हैं और उस कंडीशन के अंदर भी आप इस काउंटर वेरिएबल को ही चेक करवाते हैं। उसके बाद दोस्तों अगर तो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो आप लूप के अंदर इस काउंटर वेरिएबल के अंदर कुछ वैल्यूज को ऐड करवाते हैं और उस ऐड करवाने की वजह से आप हर बार एक नई वैल्यू जो है वो उस कंडीशन के अंदर चेक करवा रहे होते हैं। दोस्तों इसको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए हम एक प्रोग्राम का सहारा लेते हैं। मिसाल के तौर पर दोस्तों आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं, यानी 1 से लेकर 9 टाइम्स जो है वो आप हेलो वर्ल्ड को प्रिंट करवाना चाहते हैं। ये देखिए प्रिंट हेलो वर्ल्ड, यहाँ पर वर्ल्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, प्रिंट हेलो वर्ल्ड 1 to 9 टाइम्स। तो दोस्तों यहाँ पर आपको पता लग गया कि आपको क्योंकि 1 से लेकर 9 तक जो है, यानी 1 से लेकर 9 दफा आपको हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना है, तो आपको अपने काउंटर वेरिएबल के अंदर जो इनिशियलाइजेशन वैल्यू लिखनी है, यानी जो स्टार्टिंग वैल्यू स्टोर करवानी है वो 1 होगी। तो यहाँ पर हमने, क्योंकि मैंने आपको बताया कि काउंटर वेरिएबल आमतौर पर इंटीजर टाइप का होता है, तो हमने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम हमने लिख दिया काउंटर अंडरस्कोर वेरिएबल, और इस वेरिएबल में हमने वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, वैल्यू स्टोर करवा दी है 1। दोस्तों काउंटर वेरिएबल के बाद आप कंडीशन देंगे, मिसाल के तौर पर कंडीशन के लिए आप मिसाल के तौर पर दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी लूप कीवर्ड को यूज कर सकते हैं, वाइल, डू वाइल या फिर फॉर। तो यहाँ पर हमने वाइल कीवर्ड को यूज किया है। अब यहाँ पर हम वाइल के स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे। तो दोस्तों वाइल के कीवर्ड के बाद आप लगाते हैं कंडीशन। अब यहाँ पर हम कंडीशन के अंदर भी काउंटर वेरिएबल ही यूज करेंगे और यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो हमारा काउंटर वेरिएबल है ये हमेशा जो है वो 10 से छोटा होना चाहिए। हम यहाँ पर लिखा काउंटर वेरिएबल इज लेस देन 10। अब दोस्तों ये हर बार इस काउंटर वेरिएबल को चेक करेगा और चेक करने के बाद ये चेक करेगा कि क्या काउंटर वेरिएबल छोटा है 10 से, तो ये प्रिंट करवा दे हेलो वर्ल्ड। हमने यहाँ पर लिख दिया कि हमें क्या स्टेटमेंट रिपीट करवानी है। दोस्तों याद रखिए जो भी स्टेटमेंट्स आपको मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवानी है तो वही आप इस वाइल की स्ट्रक्चर के अंदर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने लिख दिया प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड और आखिर में हमने बैक स्लैश एन डाल दिया ताकि ये हर बार एक न्यू लाइन के अंदर प्रिंट हो। अब दोस्तों जब तक ये कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये प्रिंट करता रहेगा हेलो वर्ल्ड। मिसाल के तौर पर अभी यहाँ पर काउंटर वेरिएबल में 1 लिखा है तो ये चेक करेगा क्या 1 जो है वो छोटा है 10 से, ये ट्रू आएगा तो ये यहाँ पर प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। अब आइए इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले इसको सेव करें, मैंने इसको सेव कर दिया pf5.cc। इसके बाद दोस्तों आप हम इसको रन करेंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पर गौर करें तो ये जो हेलो वर्ल्ड है ये चलता ही जा रहा है, यानी यहाँ पर तो ये रुक ही नहीं रहा है आपका प्रोग्राम। क्यों? क्योंकि दोस्तों अब ये हर बार इस काउंटर वेरिएबल को चेक करेगा, काउंटर वेरिएबल 1 है, 1 छोटा है 10 से, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। ये दोबारा ऊपर जाएगा, अभी भी काउंटर वेरिएबल 1 है, ये दोबारा चेक करेगा क्या 1 छोटा है 10 से, यहाँ इसको कंडीशन ट्रू मिलेगी। और आप जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी कंडीशन ट्रू होगी तो ये लूप के अंदर मौजूद स्टेटमेंट्स को एग्जीक्यूट करवाता रहेगा। यानी दोस्तों अब काउंटर वेरिएबल की वैल्यू तो चेंज ही नहीं हो रही है, तो चेंज ना होने की वजह से हर बार ये 1 से ही चेक करेगा कि क्या 1 छोटा है 10 से, और हर बार इसको जो है इस कंडीशन का आंसर ट्रू ही मिलेगा। यानी यहाँ पर तो ये कंडीशन रुक ही नहीं रही है, क्योंकि यहाँ पर ये लूप तब रुकेगा जब ये कंडीशन फॉल्स होगी, और ये कंडीशन जब फॉल्स होगी जब इस काउंटर वेरिएबल में मौजूद वैल्यू 10 से बड़ी हो जाएगी। मिसाल के तौर पर दोस्तों यहाँ पर अभी काउंटर वेरिएबल में मान ले 9 लिखा है, तो 9 जो है वो छोटा है 10 से, तो ये यहाँ पर प्रिंट एफ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवा देगा। लेकिन दोस्तों अगर यहाँ पर काउंटर वेरिएबल में वैल्यू हो जाती है 10, तो अब 10 इज लेस देन 10, तो ये कंडीशन हो जाएगी क्यों फॉल्स, क्योंकि 10 जो है वो छोटा नहीं है 10 से, तो अब ये इस वाइल के लूप के अंदर जाएगा ही नहीं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें इसको स्टॉप करवाने के लिए 10 काउंटर वेरिएबल में लाना है, यानी हर बार हमें काउंटर वेरिएबल में कोई वैल्यू डालते रहनी है, तब तक डालते रहनी है जब तक कि उसकी वैल्यू 10 ना हो जाए, और 10 वैल्यू होते ही आपकी ये जो हेलो वर्ल्ड है ये प्रिंट होता जाएगा 9 टाइम्स प्रिंट होता जाएगा, और 10 होते ही ये वाइल से बाहर आ जाएगा। यानी दोस्तों यहाँ पर हमें ये पता चला कि हमें काउंटर वेरिएबल को इनिशियलाइज तो करना है, यानी उसको स्टार्ट तो करना है, किसी ना किसी वेरिएबल कोई ना कोई वैल्यू उसके अंदर स्टोर तो करवानी है, लेकिन उस वैल्यू को हमें हर बार इंक्रीमेंट भी करते रहना है। इंक्रीमेंट करने से क्या होगा,
हर बार आपकी वैल्यू एक डिफरेंट काउंटर वेरिएबल के अंदर मौजूद वैल्यू चेक होगी और उस डिफरेंट वेरिएबल वैल्यू की वजह से आपका ये प्रिंटफ हमेशा इनफाइनाइट तौर पर प्रिंट नहीं होगा। यानी जिस तरह से यहाँ पर आप देख रहे थे कि प्रिंट हुआ जा रहा था, रुक ही नहीं रहा था, ऐसा नहीं होगा। हमें एक टाइम चाहिए होगा जहां पर ये जो कंडीशन है ये फॉल्स हो, और ये कंडीशन तभी फॉल्स होगी जब आपके काउंटर वेरिएबल में वैल्यू पहुंच जाएगी 10। अब दोस्तों यहाँ पर हम काउंटर आपको इंक्रीमेंट करना सिखाते हैं। आप लिखेंगे काउंटर की वैल्यू यानी काउंटर वेरिएबल, काउंटर अंडरस्कोर वेरिएबल इक्वल्स टू काउंटर अंडरस्कोर वेरिएबल प्लस 1। यानी दोस्तों अब क्या हो, ये काउंटर वेरिएबल 1 है, 1 इज लेस देन 10 है, तो ये प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड। लेकिन अब दोस्तों हमें काउंटर वेरिएबल के अंदर हर बार एक वैल्यू में 1 का इजाफा करना है, तो इसकी वजह से पहले 1 इज लेस देन 10 चेक हो रहा था, इसके बाद 2 होगा, फिर 3 होगा। तो आइए अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। दोस्तों पहले आप ये आउटपुट स्क्रीन को बंद कर दें। अब दोस्तों हम इसको रन करें तो ये देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टाइम्स आपका हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। यानी दोस्तों काउंटर इनिशियलाइजेशन भी जरूरी है, काउंटर को आप कंडीशन में चेक, काउंटर वेरिएबल को चेक कराएंगे वो भी जरूरी है, लेकिन साथ के साथ काउंटर में इंक्रीमेंट होना भी जरूरी है। अब आइए दोस्तों आपको मैन्युअली बताते हैं कि ये कैसे काम करेगा। यानी आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि काउंटर वेरिएबल कितने अहमियत का हामिल है। दोस्तों सबसे पहले क्योंकि हमें 1 से लेकर 9 तक जो है वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाना था, तो हमने काउंटर को सेट कर दिया 1। दोस्तों यहाँ पर कमेंट में हमने लिख दिया है 1। अब ये चेक करेगा कंडीशन में कि क्या 1 जो है वो छोटा है 10 से, तो इसको यहाँ पर कंडीशन का आंसर मिलेगा 2। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर कंडीशन 2 होगी तो ही लूप के अंदर मौजूद स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। तो अब दोस्तों यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा हेलो वर्ल्ड, ये यहाँ पर हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो गया। इसके बाद दोस्तों काउंटर वेरिएबल के अंदर अभी वैल्यू मौजूद है 1, आप यहाँ देख भी चुके हैं। अब उस 1 के अंदर 1 का इजाफा हो जाएगा, तो अब काउंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी 2। यानी जैसे ही 1 प्लस 1 होगा तो काउंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी 2। ये अभी कॉमेंट नहीं हुआ है, हमने डबल स्लैश डाला है और ये कॉमेंट बन गया, यानी 1 प्लस 1 2 हो गया। अब जैसे दोस्तों ये दोबारा मैंने आपको बताया था कि अगर स्टेटमेंट्स ट्रू होंगी, तो अगर ये कंडीशन 2 होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद दोबारा से कंडीशन चेक होगी। अब यहाँ पर काउंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू 1 नहीं है, बल्कि काउंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ चुकी है 2, 1 प्लस 1, और यहाँ पर ये 2 जो है काउंटर वेरिएबल के अंदर स्टोर हो गया है। अब ये चेक करेगा कि क्या 2 जो है वो छोटा है 10 से, इसको यहाँ पर कंडीशन का रिजल्ट मिलेगा 2। अब ये दोबारा प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड, ये इसने दोबारा प्रिंट कर दिया हेलो वर्ल्ड। अब दोस्तों ये इस वाली स्टेटमेंट पर आएगा कि क्या काउंटर वेरिएबल के अंदर ये दोबारा 1 का इंक्रीमेंट करेगा। अभी काउंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू क्या मौजूद है 2, तो यहाँ पर ये इसके अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगा और काउंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू आ जाएगी 3। अब ये चेक करेगा कि क्या 3 जो है वो छोटा है 10 से, यहाँ पर इसको 2 मिलेगा, ये दोबारा से हेलो वर्ल्ड इसी तरीके से प्रिंट कर देगा। अब दोस्तों ये इसी तरीके से होता 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 टिल आप माने कि 10 ये 8 हो गया है, यानी आपका ये रिपीट होते होते कंडीशन 2 होती गई है, ये रिपीट होता गया है, काउंटर वेरिएबल के अंदर 1 का इंक्रीमेंट हो गया है। अब मान लीजिए यहाँ पर आ गया है 8। अब दोस्तों ये चेक करेगा कि क्या, सॉरी 9 आ गया है। अब ये चेक करेगा 8 प्लस 1 9, ये चेक करेगा कि क्या 9 जो है वो छोटा है 10 से, इसको मिलेगा 2, ये प्रिंट कर देगा हेलो वर्ल्ड 9 टाइम्स। यहाँ तक 9 टाइम्स हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो चुका है। अब दोस्तों ये दोबारा काउंटर वेरिएबल के अंदर 1 का इंक्रीमेंट करेगा। अभी यहाँ पर काउंटर वेरिएबल के अंदर वैल्यू थी 9, अब 9 प्लस 1 हम करेंगे तो ये हो जाएगा 10। और 10 दोस्तों अब ये दोबारा इस वाइल की कंडीशन पे जाएगा, ये चेक करेगा कि क्या 10 जो है वो छोटा है 10 से। अब बताइए दोस्तों यहाँ पर कंडीशन ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी? जी हाँ, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स। और जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी तो अब ये इस लूप के स्ट्रक्चर के अंदर नहीं जाएगा, बल्कि ये डायरेक्ट जो है, जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी ये डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर के बाहर यहाँ जंप करेगा। इस तरीके से दोस्तों आपका ये हेलो वर्ल्ड 9 टाइम्स प्रिंट होगा। दोस्तों यहाँ तक आपको आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा कि आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर क्या होता है। जब कभी भी आप एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल टाइम्स रिपीट करवाना चाहते हैं तो आप लूप या फिर आइट्रेशन कंट्रोल स्ट्रक्चर को यूज करते हैं। लेकिन दोस्तों
किसी भी लूप स्ट्रक्चर में चार एलिमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहले उस लूप का कीवर्ड, वो कीवर्ड वाइल भी हो सकता है, फॉर भी हो सकता है और डू वाइल भी हो सकता है। उसके बाद है कंडीशन। दोस्तों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो ही लूप के स्ट्रक्चर में मौजूद स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर आपका कंट्रोल जो है वो लूप से बाहर आ जाएगा। इसके बाद है काउंटर वेरिएबल और काउंटर इंक्रीमेंटेशन। दोस्तों काउंटर वेरिएबल क्या है? काउंटर वेरिएबल जहां से आपको लूप को स्टार्ट करना है ये आप इसको वहां से इनिशियलाइज करेंगे। अगर आपको मिसाल के तौर पर 10 से लेकर और 1 तक के जो है वो आपको नंबर प्रिंट करवाने हैं तो आप सिंपल क्या करेंगे, आप काउंटर वेरिएबल को 1 से इनिशियलाइज नहीं करेंगे बल्कि फिर आप उसको 10 से इनिशियलाइज करेंगे। यानी काउंटर वेरिएबल ये काउंट करता है कि आपका लूप स्टार्ट कहां से होगा और आपका लूप एंड कहां होगा। इसके बाद दोस्तों आप कंडीशन के अंदर इस काउंटर वेरिएबल के जरिए ये पता करेंगे कि आपका लूप कितने टाइम्स रिपीट हो रहा है और फिर आप लूप के अंदर इस काउंटर वेरिएबल के अंदर इंक्रीमेंटेशन भी करेंगे। यानी आप बार बार उसमें एक की वैल्यू बढ़ाते रहेंगे और हर बार वो वैल्यू चेक होती रहेगी कंडीशन के अंदर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर आपकी दोबारा वैल्यू में इंक्रीमेंटेशन होगी और इस तरह से आपका लूप तब तक चलता रहेगा जब तक के उस कंडीशन, आपकी जो कंडीशन है वो फॉल्स नहीं हो जाती। तो दोस्तों इस तरह से ये जो लूप के चार एलिमेंट है ये काम करते हैं। अगले लेक्चर में हम बाकायदा व्हाइल लूप के स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, उसके फ्लो चार्ट को पढ़ेंगे और कुछ प्रोग्राम्स देखेंगे कि व्हाइल लूप किस तरह से काम करता है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।